Hey guys, hello everyone, good evening, a welcome to all of you on our प्लेटफॉर्म डिफेंस अंडर ट्वेंटी फोर सेवन तो बच्चा इस वेलकम के साथ आज की इस क्लास को हम लोग करते हैं स्टार्ट सो so फाइनली आज मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जैसा कि आपको बताया कि मेरा रेगुलर टाइम तो 5 पीएम है और ये 5 पीएम मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एनडीए के लिए पढ़ाती हूँ तो इस बार हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं एनडीए टू दो के लिए यानी कि एन डी ए सेकेंड के लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं हूँ आपकी साइंस फैकल्टी जो आपको एनडीए एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाती है केमिस्ट्री और बायोलॉजी ठीक तो बिना देरी करें हम लोग करते हैं आज की इस क्लास स्टार्ट ठीक है सो गाइज इज द टाइम टू स्टार्ट द सेशन यस गाइज आई एम निहारिका राठौर और मैं आपको के लिए कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूं so मैं आपको एनडी एग्जामिनेशन के लिए बायो और केमिस्ट्री कवर कराती हूं बायो और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनडी एग्जामिनेशन में इनका अपना ही एक अलग रोल पाया गया है अगर हम वेटेज देखें वेटेज देखें तो हमें पता था कि इस बार दस क्वेश्चन जो थे वो बायो से आए थे ठीक है सत्रह से अठारह क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आए थे तो आप लगभग हिसाब लगा सकते हैं जी हाँ हिसाब लगा लीजिए कि लगभग सत्ताईस क्वेश्चन जो थे वो आपको मेरे पढ़ाई से मिलेंगे जी हाँ सत्ताईस क्वेश्चन का भी एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मैम एक क्वेश्चन है फैक्टोरल ग्रिडल्स में कितनी बोन होती है ठीक है अविराज जी मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूंगी ठीक है मैम क्या अग्निवीर वायु के लिए पढ़ सकते हैं बच्चा बिल्कुल अगर आप अग्नि वा, अग्निवीर वायु की केमिस्ट्री और बायो कवर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं अभिराज जी अभी मैं आपको जब सिलेबस बताऊंगी तो बिल्कुल आपको आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगी ठीक है चलिए सो हम लोग बिना देरी करें हमारी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और बहुत प्यारा थॉट आप लोगों के सामने है आज की इस क्लास का और इस थॉट के साथ शुरू करते हैं एनडीए के लिए तो एग्जैक्टली आज हम एनडीए में क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारा मुद्दा है कि मैम एन डी ए में आज आप हमें क्या पढ़ाने वाली है आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने जा रही हूँ जी हाँ आज मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बताने जा रही हूँ जो टाइम टेबल बिल्कुल फ्री है जी हाँ जो टाइम टेबल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये टाइम टेबल मैं आपको यूट्यूब में देने वाली हूँ कहाँ देने वाली हूँ यूट्यूब में देने वाली हूँ और डेली ये जो टाइम ये तो कलर दिखाई ही नहीं दे रहा तो ये कलर दिखाई देगा है ना ये जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ मेरे बच्चा ये जो मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ ये टाइम टेबल हम बिल्कुल फ्री देने वाले हैं ठीक है और ये टाइम टेबल हम कहाँ देने वाले हैं तो ये टाइम टेबल हम लोग यूट्यूब में देने वाले हैं क्या है इस टाइम टेबल की खासियत इस टाइम टेबल में आपको क्या मिलने वाला है कैसे आप पढ़ाई करेंगे ये सब मैं बताने जा रही हूँ तो द्रौपदी पवन एक बार सब लोग जुड़ जाएँ उसके बाद मैं अविराज के क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी और साथ में बताऊंगी एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है सब सबसे पहली बात मेरी क्लास का टाइम कितना है जी हाँ तो मेरी क्लास का टाइम रहेगा शाम को पाँच से छः जी हाँ मेरी क्लास का जो टाइम है वो रहेगा डेली शाम को पाँच से छः तो डेली शाम को पाँच से छः आपको जुड़ना है और फाइनली आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग एन 2023 के नए सिलेबस को पढ़ने जा रहे हैं जी हाँ एन बायो और केमिस्ट्री में सिलेबस में क्या अमेंडमेंट किया गया है इसी सारे सिलेबस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो शुरू करें बिल्कुल जी लगभग 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के क्योंकि यहाँ पे जी हाँ यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस भी पूछी जाती है सो लेट स्टार्ट द सेशन गाइस और शुरू करते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं तो सब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हमारी केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोलॉजी जी, जी हाँ केमिस्ट्री का सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू बायोलॉजी चलो क्या आप लोग रेडी हैं तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज जी हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है अगर हम इस बार के एनडीए पेपर की बात करें तो क्वेश्चन क्या आया था आयरन और कॉपर के बीच में क्वेश्चन आया था है ना कॉपर और आयरन सल्फ जी हाँ कॉपर सल्फेट था आपने रिएक्शन किया तो कलर क्या हो गया था चेंज हो गया था जी हाँ कॉपर सल्फेट में जब आपने आयरन का रिएक्शन कराया तो कलर क्या हो गया था चेंज हो गया था तो कौन सा रिएक्शन वो पाया गया था जरा बताना राइट आंसर क्या आ जाएगा वैन वी रिएक्ट कॉपर सल्फेट विद आयरन जब कॉपर सल्फेट और आयरन का हमने रिएक्शन किया तो वहां पे क्या हो गया था बच्चा कलर में चेंज देखने को मिला था तो चेंज इन कलर एक केमिकल रिएक्शन था ये केमिकल रिएक्शन कौन सा था मैं एग्जाम्पल के हिंट दे दू डबल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ड्यू विस्थापन या विस्थापन कौन सा था तो मेरे बच्चा वो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल ने लीस रिएक्टिव मेटल को क्या किया था डिस्प्लेस कर दिया था उसके बाद जो सेकंड चैप्टर आपका आता है वो आता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर इस बार हम एन पेपर की बात करें अगर इस बार हम एन एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आया था जी हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके आईसो मर पर आया था और आईसो पे आया था जी हाँ ये दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे कि आइसोमर मर क्या होते हैं और आइसो बार क्या होते हैं तो कौन बच्चा मुझे बताएगा कि मैम आइसोमर मर क्या होते हैं और कौन बच्चा मुझे बताएगा आइसो बार क्या होता है बताओ जल्दी से अविराज जी अभी बायो का सिलेबस आएगा तब आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा जल्दी से मुझे बताइए बच्चा आईसो क्या होते हैं और आईसो बार क्या होते हैं बोलिए बोलिए जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा सोच समझ के राइट आंसर दीजिएगा चलो इस क्वेश्चन का तो आंसर आप देते रहिए एक क्वेश्चन वैसे से एक बच्चे ने पूछा है पैक्टोरल ग्रिडल के ऊपर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मैम पेक्टोरल ग्रिडल के ऊपर ठीक है तो बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम हमारी बॉडी के अंदर जी हाँ हम हेलो बच्चा हेलो हेलो जी एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम जो हमारा पेक्टोरल ग्रिडल होता है में कितनी बोन्स होती है तो बच्चा पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वह हमारी दो हड्डियों के अंदर पाया जाता है जी हाँ पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वह एग्जैक्टली हमारी दो बोन्स के अंदर पाया जाता है ठीक है ये आपका सबसे पहला क्या होता है बच्चा शोल्डर होता है सबसे पहला क्या होता है शोल्डर और दूसरी कौन सी होती है आपका शोल्डर ब्लेड ठीक है जी बच्चा तो एक होता है आप लोगों का शोल्डर और एक होता है आपका शोल्डर ब्लेड यहाँ पे आपका पेक्टोरल ग्रिडल पाया जाता है चलो ये हो गया अगर हम बात करेंगे आइसोबर की और आइसो आइसोबार की तो बच्चा आइसोमर क्या होते हैं आइसोमर होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम मकुलर फॉर्मूला होता है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ऐसे एलिमेंट्स जिनका आपका फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन स्ट्रक्चर कैसी होती है उनकी डिफरेंट होती है जी हाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर कैसी है डिफरेंट है दिस इज आइसोमर आइसोबार क्या होते हैं तो हम क्या लिखेंगे ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के पाए जाते हैं जी हाँ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट एलिमेंट्स के वो एटम जिनका मास नंबर क्या होता है सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है जी हाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है मास नंबर सेम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं आईसो बार बोलते हैं इसके अलावा आप लोगों से इस चैप्टर में और क्वेश्चन क्या पूछ लेगा आपसे पूछ लेगा कि शेल्स क्या होती हैं क्या पूछेगा शेल क्या होती हैं आपसे पूछेगा सब शेल क्या होती हैं और आपसे पूछ लेगा शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फॉर्मूला क्या होता है जी हाँ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का फॉर्मूला क्या होता है अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है है ना जी हाँ अफबाऊ प्रिंसिपल क्या होता है हुस रोल ऑफ मैक्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है तो ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आते हैं जल्दी से बताओ शेल्स कितनी होती हैं और आपकी शब शेल्स कितनी होती है और एक क्वेश्चन है मेरा जो आपका नील बोहर एटम है एटम मॉडल है वो वन डी है या वो टू डी है जल्दी से बताओ नील बोहर यानी कि बोहर मॉडल जो है एटम का वह वन डायमेंशनल है या वह है टू डायमेंशनल है ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है मैम कोड यू टेल मी वॉट इज़ द टाइम टेबल ऑफ फिजिक्स क्लास बच्चा फाइव टू सिक्स पी एम होती है बायो केमिस्ट्री की क्लास छः से सात होती है आपकी फ़िजिक्स की क्लास ठीक है तो फिजिक्स की जो क्लास है वो आपके प्रिंसर पढ़ाएंगे और छः से सात बजे आपकी फ़िजिक्स की क्लास होएगी ठीक है ओके मिस्टर ए के मिस्टर ए कार ए आर ही करके नाम लिख रखा है ठीक है तो फिजिक्स की जो क्लास है वह होएगी आप लोगों की छः से सात My pleasure, dear, my pleasure. यहां पे बच्चा अगर हम शेल्स की बात करें तो शेल्स कितनी होती हैं? के एल एम एन ठीक है, और, क्या होती है? S -P -D -F, और शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है Two n स्क्वायर इसमें n जो होता है वो होता है हमारा एनर्जी लेवल और अगर बात करें नील बोहर का मॉडल तो मेरे बच्चा जो नील बोहर का मॉडल था वह आपका वंडी था लेकिन वह दिखता 2d है ठीक है वह वंडी था लेकिन दिखता कैसा है 2d है फिर आता है रेडियो एक्टिविटी जी हां रेडियो एक्टिविटी इसके अंदर आपको दो चीज पढ़नी होती है एक आप इसमें पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एक आप पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन और दूसरा आप क्या पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन चलो इस लेसन के बारे में भी कुछ कहानी पढ़ ली जाए जी हाँ अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस की तो इन रेडिएशंस को मेजर कौन से डिवाइस से करते हैं इन रेडिएशंस को मेजर कौन से डिवाइस से करते हैं एक तो ये क्वेश्चन है ठीक है और एक क्वेश्चन जो इस बार एनडीए के एग्जाम में आया था वो क्या था वो था हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिल प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और एक क्वेश्चन था आपका एटम बम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है चलो जल्दी से से बताओ एटम बम कौन प्रिंसिपल पे काम करता है हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है और साथ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है एल्फा बीटा गामा रेडिएशन को मेजर किससे करते हैं तो मेरे बच्चा एल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को मेजर करते हैं जीएम काउंटर से किससे करते हैं इसको हम करते हैं मेरे बच्चा जीएम काउंटर से और जीएम काउंटर की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आती है इसको बोलते हैं गीगर म्यूलर काउंटर और ये एमएससी में देखा जाता है जी हाँ जब आप हायर स्टडीज करते हैं तब देखते हैं तो मैंने जब एम फिजिक्स करी थी मैंने वहां देखा था तो गीगर म्यूलर काउंटर इसको हम लोग बोलते हैं अगर बात करें हाइड्रोजन बम की तो यह किस पे है यह सैलन के ऊपर आधारित है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय एटम बम किस पे होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फीजन यानी कि नाभिकीय विखंडन अगर मैं आपसे पूछूं हु इज नोन एज फादर ऑफ एटम बम फादर ऑफ हाइड्रोजन बम तो देखूंगी कौन बच्चा राइट आंसर देगा जी हाँ फादर ऑफ एटम बम फादर ऑफ आपके हाइड्रोजन बम तो राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए हाइड्रोजन बम और आपके एटम बम के फादर कौन है क्या है इनका नाम तो हाइड्रोजन बम के लिए हम क्या पढ़ते हैं एडवर्ड टेलर Edward Teller. Edward. टेलर पढ़ते हैं और एटम बम के लिए क्या पढ़ते हैं रोबर्ट ओपन हाइमर क्या पढ़ते हैं रोबर्ट ओपन हाइमर सिर्फ इतना ही नहीं ये तो वो था जो मैंने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम में आता है है ना इसके अलावा एग्जाम में क्या आ सकता है मेरे बच्चा इसके अलावा एग्जाम में आ सकता है रेडिएशन जी हाँ अगर किसी रिएक्शन से अगर किसी रिएक्शन से अल्फा रेडिएशन निकला है यहाँ पे बचा वाई तो उसका एटमिक नंबर कितना पाया जाएगा और उसका मास नंबर कितना पाया जाएगा

अब मेटल्स में आपको दो चीज पढ़नी होती है एक बच्चा एक आप पढ़ते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं जी हाँ एक पढ़ते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज इस बार यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि करेक्ट द मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडक्टिविटी ऐसे क्वेश्चन आए थे है ना या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी तो बच्चा रिएक्टिविटी में हमें बताया कि हाईली रिएक्टिव कौन सा होता है लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होता है मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं है ना चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हो चाहे वो आपके हीट के हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे इसके साथ हर बार मेटल्स में से एक क्वेश्चन आता था और के ऊपर जिसको हम बोलते हैं मेटलर्जी यानी कि आयस के ऊपर इस बार आयस चैप्टर चा, में से क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन इस बार एन डी टू में पूछ लिया जाएगा क्योंकि बच्चा चैप्टर तो बहुत सारे हैं और क्वेश्चन हमें लिमिटेड लगाने होते हैं तो एग्जामिनर ने क्या किया इस बार इसका पार्ट ए पूछ लिया अगली बार पार्ट बी पूछेगा मेटल्स एंड ओर जैसे कि आपका लेड का और क्या होता है आपके टिन का और क्या होता है मरकरी का और क्या होता है आप लोगों के कैल्शियम का और क्या होता है आपके सल्फर का और क्या होता है बेसिकली जो ओर होते हैं वो मेटल्स के ही पाए जाते हैं आई यस आई हैव अटेम्प्टेड एग्ज़ाम मैम बिल्कुल गौरव जी तो बच्चा मैं वही बता रही हूँ कि इस बार क्वेश्चन किस टॉपिक से आए थे किससे नहीं आए थे क्योंकि उस बार वो एनडीए टू में आए थे गौरव टेल मी बच्चा सबसे पहले कि आपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया तो क्या लगा आपको कि केमिस्ट्री किस लेवल की आई थी

जी बिल्कुल बिल्कुल जी हार्ड नहीं बच्चा केमिस्ट्री हार्ड नहीं आई थी केमिस्ट्री हार्ड नहीं आई थी अगर किसी बच्चे का बेसिक स्ट्रोंग था तो केमिस्ट्री इजी थी बिकॉज़ माय डियर अगर कोई आपसे पूछे कि आपके एनडीए एग्जाम का सोर्स क्या था सबसे पहले तो ये जान लो कि आपका एनडीए एग्जाम कौन से बुक से आया था तो आपका पूरा एनडी एग्जाम एन टी बेस्ड था ठीक है आपका पूरा एग्जाम एन टी बेस्ड था चलो अब मैं आपको एक सरप्राइज रिवील कर देती हूँ मैं डेली पाँच बजे यूट्यूब में आऊँगी मैं डेली पाँच बजे यूट्यूब में आऊँगी अब मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ यूट्यूब में मैं आपको शुरुआत कराने जा रही हूँ थ्योरी प्लस एम मैं थ्योरी प्लस एम आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेकिन इस बार कुछ चेंज है थ्योरी प्लस एम जो है वह टॉपिक वाइज होएंगे इंस्टेड ऑफ चैप्टर वाइज जैसे कि रेडियो एक्टिविटी अपने आप में एक टॉपिक हो गया है ना तो टॉपिक प्लस एम और ये सारा का सारा एम पैटर्न मैं पी बेस्ड ही रखने वाली हूँ अगर एन एग्जाम की बात करें तो इस बार एन एग्जाम काफ़ी इजी आया था केमिस्ट्री और बायो बहुत इजी आई थी जो बच्चा पढ़ेगा वो इजीली कवर कर लेगा तो कल से चालू हो जाएगा आपका थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेशन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जैक्टली exactly एनडीए में क्या पढ़ना है चैप्टर्स कौन कौन से एग्जाम में आएंगे फिर आता है नॉन मेटल और ऑक्साइड वीवीआईपी चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है इस साल भी क्वेश्चन देखने को मिला आता है ना कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन और इस बार हाइड्रोजन पे क्वेश्चन क्या आया था अमोनिया जी हाँ अमोनिया हैबर बोश हैबर बोश से हम क्या बनाते है अमोनिया बनाते हैं इसमें हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं है ना तो माइडियर यहाँ पे आपके कंपाउंड पूछ लेगा या तो कार्बन के या ऑक्सीजन के नाइट्रोजन के या हाइड्रोजन के ये चार नॉन मेटल्स के कंपाउंड ही पूछ लेगा मैम बस मैथ्स बहुत हार्ड था सच में गौरव आई टोटली एग्री इस बार एन एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत हार्ड था आई टोटली एग्री इसलिए मैथ्स की भी क्लासेस चालू हो चुकी है अगर मैं आपको क्लासेस का टाइम टेबल बताऊं तो बच्चा शुरुआत होती है आपकी मैम से है ना क्योंकि लेडीज शुरुआत करती है तो फाइव पी पे आपका बायो और केमिस्ट्री होता है ठीक है सिक्स पी पे आपकी फ़िजिक्स होती है सेवन पी पे जी हाँ सेवन पी पे आपका मैथ्स होता है उसके बाद एट पी पे आप लोगों का या तो जीके या तो जीवे सर पढ़ाएंगे या फिर आपका इंग्लिश होएगा ठीक है तो आठ और नौ बजे का मुझे एग्जैक्टली exactly आइडिया नहीं ये शायद है शायद आठ बजे है जीवे सर की क्लास ठीक है जीके की क्लास तो नौ बजे है आपकी इंग्लिश की क्लास ऐसा ही कुछ शेड्यूल है बट ये तीन शेड्यूल बिल्कुल फिक्सड है फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी मैथ्स ठीक है ये तीनों बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगी फिर आता है एसिड बेस्ड चैप्टर तो जिन बच्चों ने इस बार क्वेश्चन दिया था उनको बता दूं इस बार टूथपेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था किसके ऊपर आया था टूथपेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था बताओ जल्दी आया था या नहीं आया था टूथपेस्ट बेसिकली क्या करता है देखो बच्चा अगर हम बात करेंगे हमारे मुंह में तो बच्चा हमारे मुंह के अंदर क्या पाया जाता है सलाइवा पाया जाता है हमारे मुंह के अंदर लार पाई जाती है और लार जो होती है वह एसिडिक होती है क्योंकि इसकी पी वैल्यू क्या होती है एसिडिक होती है सिक्स होती है जो टूथपेस्ट होता है वह है अपने आप में क्या होता है बेस होता है तो टूथपेस्ट क्या करता है जब हमारे मुंह के अंदर जाता है तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देता है क्या कर देता है न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है क्या करता है? है, है, है जी हाँ इसलिए हम लोग टूथपेस्ट जो है वह यूज़ करते हैं जी हाँ सुबह सुबह टूथपेस्ट यूज़ करने से हमारे मुंह के बैक्टीरिया मर जाते हैं कई बार क्या होता है कि आपको दाद हो जाती है तो बड़े बड़े क्या कहते हैं कि अपने सुबह सुबह मुंह का सलाइवा अपने दाद पे लगा ले आपका दाद क्या हो जाएगा सही हो जाएगा क्योंकि सलाइवा कैसा होता है एसिडिक होता है और वो एंटी बैक्टीरियल होता है सलाइवा बैक्टीरिया को खत्म भी कर देता है ठीक है चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते क्या है केमिकल रिएक्शन जी हाँ नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन कोई भी चीज जब रिएक्ट करती है तो किस तरीके से करती है जी हाँ कोई भी चीज़ रिएक्ट करेगी कैसे करेगी वह ऑक्सीडेशन में करेगी रिडक्शन में करेगी अब यहां पर भी क्वेश्चन आया था विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना ये क्वेश्चन आया था दो क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले थे एक आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक आप लोगों का किसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हम केमिकल चेंज की बात करें अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो मेरा एक क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन स्टिंग ऑफ आयरन यह एक केमिकल चेंज है यह यह या, 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 या फिर यह एक फिजिकल चेंज है अगला क्वेश्चन क्या है बर्निंग ऑफ वैक्स बर्निंग ऑफ वैक्स यह एक केमिकल चेंज है या फिर यह एक फिजिकल चेंज है ठीक है अगला है मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टिंग ऑफ वैक्स लो

सबसे ज्यादा कहाँ से पूछा जाता है मैम मेरे बच्चा देखो ही, जो आपका जीएस है ना वो बिल्कुल ऐसा डेजर्ट है जो आपको खाना पड़ेगा तो जीएस में नंबर जो है उसमें तीस नंबर में से आप मान के चलो कि केमिस्ट्री और बायो के तीस क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन तीस क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो के आएंगे वही अगर बात करेंगे फिजिक्स की तो फिजिक्स अकेला फिजिक्स के अकेले तीस क्वेश्चन आ जाएंगे फिजिक्स के अकेले तीस क्वेश्चन आ जाएंगे इंग्लिश भी आती है मैथ्स भी पाया जाता है आलोक ने बोला है कि मैम मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है फिजिकल चेंज बहुत शानदार मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो फिजिकल चेंज है और बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है केमिकल चेंज बच्चा एक बात याद रखना बर्निंग मतलब होता है कंबेशन रिएक्शन बर्निंग मतलब क्या होता है कम्बशन रिएक्शन और कम्बशन रिएक्शन हमेशा से केमिकल चेंज रही है बिकॉज़ कम्बशन में क्या होता है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन एड होती है राइट right? बहुत बढ़िया मिस्टर अकर का भी राइट right आंसर आ चुका है ठीक है तो ये चैप्टर्स आपके हो चुके हैं डन अब देखते हैं अगले चैप्टर कौन से है जो केमिस्ट्री में आने वाले हैं तो अगले चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो आता है आपका मोल कॉन्सेप्ट इस बार एनडीए में मोल कॉन्सेप्ट एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस बार एनडीए में क्योंकि ये जो मॉल कॉन्सेप्ट है ये ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर है इस बार मॉल कॉन्सेप्ट पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जी हाँ लेकिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एवो गोडेरो लो आई थी एवो गोडेरो गई थी बता दो या हाँ ना जी हाँ गे लुसेक लो क्या होता है, क्या होता है, है ना जी हाँ ये सारी लोज आती है आपकी लोज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में और इस बार एवो गोडेरो की कोई भी ना इन लोज के ऊपर कभी भी न्यूमेरिकल नहीं आता लेकिन हाँ इन लोज की सीधी डेफिनेशन आती है और वो डेफिनेशन आपको बतानी होती है है ना जी हाँ बोल्स लो चार्लो सबसे पहले जो गैस स्लो है वो कौन सी आई थी जी हाँ मुझे बताइए फर्स्ट गैस लो का नाम क्या है फर्स्ट गैस लो का नाम क्या है जल्दी से बताइए फर्स्ट गैस लो का नाम बताओ जल्दी से क्या है मेरे बच्चा गौरव जल्दी बताओ फर्स्ट गैस लो का नाम क्या है बहुत शानदार गौरव यहाँ पे राइट right आंसर जाएगा बॉयल्स लो है ना तो मेरे बच्चा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिला था अगला हम पढ़ते हैं पॉलीमर जी हाँ पॉलीमर ये जो पॉलीमर चैप्टर है इसके अंदर आपको प्लास्टिक्स पढ़ना पडत आहे इसके अंदर आपको प्लास्टिक पढ़ना पड़ता है इसके अंदर आपको ग्लास पढ़ना पड़ता है इसके अंदर आपको डाई पढ़ना पड़ता है और इसके अंदर आपको सीमेंट पढ़ना पड़ता है तो सीमेंट हो गया डाइस हो गया ग्लास हो गया प्लास्टिक ये सब आपको कहा पढ़ना पड़ता है पॉलीमर्स के अंदर पढ़ना पड़ता है अगर मैं आपसे पूछू आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं तो कौन सा पोलीमर है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं जी हाँ कौन सा पोलीमर ऐसा है जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं जल्दी बताओ राइट आंसर क्या जाएगा मैम NDA 1 2023 का एग्जाम दिए था पर मेरा स्कोर 300 350 तक जाता है क्या सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा आप एवरेज पे हैं एवरेज पे यानी कि देर इज़ अ कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन हम मानेंगे कि हो जाए हम मानेंगे हो जाए क्योंकि बच्चा एक एक साल कहते ना कि समय बढ़ता हुआ किसी को दिखता नहीं है लेकिन समय बहुत बलवान है तो बच्चा ये एक एक साल एक एक घंटा एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप बस ये प्रे करो कि कि किसी तरीके से आपका नंबर आ जाए और आप एस के लिए सिलेक्ट हो जाओ ठीक है यहां पे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा आर्टिफिशियल सिल्क हम रेओन को बोलते हैं किसको बोलते हैं रेओन को बोलते हैं चलो इसके बाद बच्चा जो अगला पो... पार्टिकल है वो है पीरियोडिक टेबल इस बार टेबल के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया लेकिन एनडीए सेकंड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं फिर आता है आपका हाइड्रोकार्बन इस बार भी क्वेश्चन आया था नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दो क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आए थे हर बार एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एग्जाम में आती ही आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यहां से भी क्वेश्चन आया था है ना जी हाँ सेपरेटिंग फनल के ऊपर क्वेश्चन आया होता किसके ऊपर सेपरेटिंग फनल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था जी हां पानी और पानी और बेंजीन के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे तो बच्चा वहाँ पे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे ऐसे क्वेश्चंस आए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से अगर हम बात करें सॉल्यूशंस की तो सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं होमोजीनियस हाइट्रोजीनियस होते हैं ना कोलाइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो कोलाइडियल सोल्यूशन से आप क्या पढ़ते हैं जी हाँ कोलाइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं कौन बताएगा कोलोइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जल्दी बताओ व्हाट आर कोलाइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो तो हमारा ब्लड जो है वह एक कोलाइडियल सोल्यूशन है लेकिन एग्जैक्टली कोलाइडियल बिलियन क्या होते हैं क्या होते हैं कोलाइडियल सोल्यूशन बच्चा बिल्कुल अपने मेरे ऐप पे भरोसा मेरे पे नहीं सबसे पहले अपने किस्मत पे भरोसा करना सीखो आपने मेहनत करी है मैं बिल्कुल भगवान जी से बिल्कुल महाकाल से प्रे करूंगी कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो गौरव टेल मी इन हिंदी प्लीज गौरव अभी तो आप पढ़ रहे थे अभी क्या हो गया कोलाइडियल सोल्यूशन को कोलॉइड विलियन बोलते हैं बच्चा कोलाइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं जो दिखते कैसे हैं जो दिखते हैं समाघी अब समाघी मतलब क्या होता है होमोजीनियस जो दिखते हैं होमोजीनियस जो दिखते हैं होमोजीनियस लेकिन लेकिन एक्चुअल में कैसे होते हैं एक्चुअल में वो हेटरोजेनियस होते हैं एक्चुअल में वो कैसे होते हैं हेटरोजेनियस यानी कि एक्चुअल में वह विषमागी होते हैं दिखते समागी और होते हैं विषमागी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं कॉल आइडिया सोल्यूशन बोलते हैं प्रजापति राम 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 मेरे बच्चा राम राम ठीक है अब अब हम पढ़ेंगे सेल चैप्टर सेल चैप्टर ओ माई गोड सेल चैप्टर नहीं अब हम पढ़ेंगे बायो का सिलेबस सबसे पहला हमेशा से एग्जाम का फेवरेट टॉपिक सेल और उसके पार्ट्स यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या पूछा गया था कि प्लांट सेल में डीएनए कहां कहां पाया जाता है क्वेश्चन क्या था कि प्लांट सेल में डीएनए कहां कहां पाया जाता है जल्दी बताओ प्लांट सेल में डीएनए कौन कौन से पार्ट्स में पाया जाएगा दो राइट आंसर क्या आ जाएगा यस yes, मेरे बच्चा फोक हो गया स्मोक हो गया स्प्रे होगा ये सब आपके कोलाइडियल सोल्यूशन बिल्कुल जी चलो जल्दी बताओ गौरव जल्दी बोलो बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे आपको बताने पादप कोशिका में डीएनए कौन कौन से अंग में पाया जाता है तो वह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल <coughs> और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से आ गया था दूसरा है प्लांट टिश्यू जी दूसरा क्या है प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आया था है मैरिज टाइम के ऊपर क्वेश्चन आया था पाई पाई जाती है? पाई जाती है है बेस ऑफ लीव्स में मैरिज से भी क्वेश्चन आया था इस बार एनिमल टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था प्लांट टिश्यू से जाइलम के ऊपर भी क्वेश्चन आया था प्लांट टिश्यू से जाइलम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि जाइलम का वह कौन सा सेल है जो कि लिविंग होता है जाइलम टिश्यू का वह कौन सा सेल है जो लिविंग होता है तो आंसर क्या था जाइलम पैर काइमा ज़ाइलम पैरन काइमा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ठीक है फूड एंड न्यूट्रिशन हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है या तो इसमें आपकी बीमारियां आती है विटामिन ए से क्या होता है बी से क्या होता है प्रोटीन से क्या होता है इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि किसका सोर्स क्या होता है जी हाँ किसका सोर्स क्या होता है डियर माल्टोज कहाँ पाया जाता है लैक्टोज कहाँ पाया जाता है सुक्रोज कहाँ पाया जाएगा तो मेरे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ ठीक है मेरा क्वेश्चन क्या है हनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है और सुक्रो जो सुक्रोज होता है सुक्रोज जो होता है इसका सोर्स क्या होता है हनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है और आपको बताना है सुक्रोज का सोर्स क्या है बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा मैम मैं तो पहली बार क्लास में आई हूँ कोई बात नहीं मेरे बच्चा जो पहली बार आए हैं वो जान लो कि आपके एन की केमिस्ट्री के अंदर बायो के अंदर कौन कौन सा सा, जहां से टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यही टॉपिक्स में आपको डेली पांच से छ यूट्यूब में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रही हूँ हनी जो होता है इसके अंदर क्या होता है फ्रक्टोस पाया जाता है अब तो एक बात बताओ आप अगर हलवाई के लड्डू खा लो है ना हो हाय मैडम पेट में चूहे दौड़ के लड्डू का नाम ला लो चलो जी लड्डू का नाम नहीं लेते रसमलाई नहीं मैम फलूदा चलो सीधी सी बात है आप हलवाई की कोई भी मिठाई खा लो बाहर की मिठाई खाने से क्या होगा एक तो आपका डायबिटीज हो जाएगा दूसरा आप हपू सिंह बन जाएंगे है ना जी हाँ लेकिन वही कभी भी आपने सुना है कि फ्रूट्स खाने से डायबिटीज होता है क्या फ्रूट्स खाने से डायबिटीज होता है नहीं फ्रूट्स खाने से डायबिटीज नहीं होता बिकॉज फ्रूट के अंदर क्या होता है नेचुरल शुगर पाई जाती है फलों के अंदर नेचुरल शुगर पाई जाएगी और नैचुरल शुगर कभी भी डायबिटीज़ नहीं करती ठीक है अब सुक्रोज सुक्रोज गन्ने के अंदर पाया जाता है जिससे हम क्या बनाते हैं खाने वाली चीनी बनाते हैं अब मैम जो चीनी हम घर में लेके आते हैं और जो बाहर हलवाई लोग यूज़ करते हैं क्या उसमें अंतर है यस जो हलवाई यूज करता है जो चीनी आपका हलवाई यूज करता है हलवाई जो चीनी यूज करता है वह चीनी क्या है आर्टिफिशियल शुगर है क्या है बच्चा वह आर्टिफिशियल शुगर है शुगर है जो हमने लेबोरेटरीज के अंदर बनाई है यह है कितनी ज्यादा मीठी होती है मैं बता देती हूँ एक स्पून इसकी एक स्पून हमारे घर की पचास चम्मच के बराबर है जी हाँ पचास चम्मच हम डालेंगे अपने घर की तो उसकी एक चम्मच पचास चम्मच के दुगनी कैसी पचास गुनी कैसी होती है मीठी पाई जाती है इसलिए ज़्यादा बाहर की मिठाई खाने से क्या हो जाता है डायबिटीज़ हो जाता है और अगर आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे नाम क्या जाता है एसप्रोटीन बहुत सारी आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट्स मार्केट में पाई जाएगी जो वो लोग हलवाई यूज करते हैं ठीक है चलो ये भी चैप्टर पूरा हमने समझा कि एक्सैक्टली exactly क्वेश्चंस कैसे बनेंगे अब आएगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे होता है ठीक है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल पार्ट क्या होता है फीमेल पार्ट क्या होता है गैमेट सेल क्या होता है ठीक है पोलिनेशन कैसे होता है ठीक है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये आपको यहाँ पे पढ़ना होता है फिर आता है प्लांट थ्योरी तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं यहाँ पे आप पढ़ते हैं प्लांट हारमोन के बारे में किसके बारे में प्लांट हारमोन के बारे में जैसे कि मेरा एक क्वेश्चन है फ्रूट राइपनिंग कौन सा हारमोन कराता है जी हाँ मेरा सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है फलों को आने वाले हार्मोन का नाम बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या जाएगा? बगल में फ्रेंड की है पर निमंत्रण नहीं किया कोई बात नहीं अरे बच्चों कोई बात नहीं देखो कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पढ़ने से भी इंसान कभी कभी बोर हो जाएगा तो थोड़ा वो चल जाता है ठीक है टेंशन मतलब और लड़ाई नहीं करते आप यहां पर आप मिलकर देश संभालने आप लड़ने हो ना बाबा ना ये तो नहीं होगा देखो अगर मैंने पूछा कौन सा हार्मोन फल पकाता है तो फल पकाने के लिए इथाइलिन हार्मोन पाया जाता है क्या पाया जाता है इथाइलिन हार्मोन पाया जाएगा चलो अगला है रिप्रोडक्शन इन एनिमल तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वीवी पैरस मतलब क्या होता है वीवी पैरस मतलब क्या होता है पहला क्वेश्चन मेरा ये है ठीक है अगला क्वेश्चन मेरा क्या जाएगा अगला क्वेश्चन जाएगा फर्टिलाइजेशन निशेशन जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन जो है ठीक है वह कौन से भाग में होता है यह बताना है आपको ठीक है अगला क्वेश्चन आपको क्या बताना है मेल हार्मोन का नाम और फीमेल हार्मोन का नाम मेल हार्मोन का नाम फीमेल हार्मोन का नाम है ना बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा बोलो बोलो बच्चा बीवी पेरेट्स क्या होता है जो बच्चों को जन्म देते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि गेव बर्थ टू चाइल्ड गेव बर्थ टू चाइल्ड जैसे कि हम इंसान हमारे अंदर से अंडे नहीं निकलते हमारे अंदर से सीधा बच्चे निकलते हैं तो ये होते हैं फर्टिलाइजेशन वुमेन के अंदर पाया जाता है महिला के अंदर होता है किसमें अंड वाहिनी के अंदर होता है कहाँ होता है अंड वाहिनी के अंदर होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है कहाँ पे होता है मेरे बच्चा फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है अगर हम बात करेंगे एस्ट्रोजन तो जो एस्ट्रोजन है वह आपका फीमेल हार्मोन है टेस्टोस्टिरोन यह आपका मेल हार्मोन है राइट बिल्कुल जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आया समझ में तो इस चैप्टर से आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके बाद चलते हैं बायो के और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बाकी रह गए हैं तो फिर आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या आता है पाचन तंत्र मैं बोलूं डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं पाचन की अध्ययन को क्या कहते हैं गैस्ट्रो एंट्रो ोगी गैस्ट्रो एंट्रोलोगी पाचन तंत्र के अध्ययन को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया था यानी कि परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन आया था है ना दिल के ऊपर क्वेश्चन आता है ब्लड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं अगर मैं बोलूं आपसे ब्लड तो आप मुझे बताओ आपके ब्लड का पीएच मान कितना है मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके ब्लड का पीएच मान कितना है देखती हूँ कौन बच्चा मुझे बताएगा जी हाँ ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा बोलो बोलो जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 पाई जाती है ठीक है नर्वस सिस्टम यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है है ना अब अच्छा आपको पता है दिमाग में हमेशा ट्यूमर बनता है दिमाग में कभी सुना है ब्रेन कैंसर नहीं लेकिन सुना है हमेशा ब्रेन ट्यूमर होता है क्यों होता है तो दिमाग में ट्यूमर बनाते हैं न्यूरो सेल क्या बनाते हैं न्यूरो सेल न्यूरोजिलाईल सेल न्यूरॉन सेल से अलग न्यूरोजल सेल भी दिमाग में पाए जाएंगे जो क्या बनाते हैं ट्यूब बनाने का काम करते हैं है ना क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन होता है बच्चा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या होता है क्लासिफिकेशन जो होता है इसे हम बोलते हैं वर्गीकरण और वर्गीकरण में आप पढ़ते हैं बेसिकली प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया था पादप जगत और एनिमल जगत एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम की वह कौन सी फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है एनिमल किंगडम की सबसे ज्यादा प्रजाति कौन से फाइलम में पाई जाएगी पहला क्वेश्चन तो ये हो गया ठीक है और आपको बताना है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं ब्रायोफाइट्स को कहते हैं किसको कहते हैं ब्रायोफाइटास को कहते हैं और वह फाइलम जिसमें सबसे ज्यादा प्रजाति पाई जाती है वो क्या होता है अर्थरोपोडास क्या होता है बच्चा अर्थरो फाइलम होता है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे बच्चा टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया थ्री वर्गी थ्री पद्धति वर्गीकरण किसने दिया है ना चतुष वर्गीकरण पद्धति किसने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो पूरा वर्गीकरण आपको पढ़ना होता है ठीक है फिर आता है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके आते हैं इस बार एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था तो एक से दो क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे रहता ही रहता है तो यह था पूरा आपके बायो का सिलेबस और इसी के साथ मैंने आपको पूरा बताया आपके केमिस्ट्री का सिलेबस ठीक है और जहां तक मैं आपको बता पा रही हूँ मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि लगभग तीस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बायो प्लस केमिस्ट्री से तो बायो के क्वेश्चन हो सकते हैं आपके नौ से दस ठीक है तो वहीं सत्रह से लेके बीस क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के यानी कि केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा दिया हुआ है एनडीए एग्जामिनेशन में तो आपको इसी तरीके से एकदम ताबड़तोड़ तैयारी करनी है मैं दोबारा बता दूं कि हम लोग कैसे सेशन चालू करेंगे हमारा सेशन डेली पांच से छह बजे का होगा हमारा सेशन डेली पांच से छह बजे का होएगा फर्स्टली क्या होने वाला है बच्चा सबसे पहले तो हम टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे पूरा चैप्टर छोड़ दो पूरा चैप्टर कभी भी एक दिन में नहीं होता और पूरा चैप्टर पढ़ के इंसान भी क्या होता है मैम तो बोर कर रही हैं तो बोर वाला काम ही नहीं करना हम क्या पढ़ेंगे हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले है ना हम आधे घंटे का क्या पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे और फिर बीस मिनट हम क्या पढ़ेंगे बीस मिनट हम करेंगे उस एमसीक्यू इस तरीके से पूरा एक घंटा यानी कि पूरा पचास मिनट का आपका एक लेक्चर क्या हो जाएगा तैयार होएगा मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी मेरी क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेंगी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो आपको बस डेली जुड़ना है ठीक है बिल्कुल और कई बच्चे कहते हैं कि मैम क्या पेड कोर्स एनडीए के लिए आया है जी हाँ तो कई बच्चे कल कह रहे थे मैम मेघदूत बैच के बारे में बताओ तो जिन बच्चों को पेड क्लास में पढ़ना है जी हाँ जिन बच्चों को पढ़ना है कि मैम हमें पेड में पेड़ भी पढ़ा दो वाइट में भी पढ़ा दो बहुत बच्चे जिसको पढ़ना है जिसको जिंदगी में आगे बढ़ना है वह पढ़ता ही रहता है क्योंकि बिना पढ़े आप कहीं सिलेक्शन तो ले नहीं सकते तो बच्चा आप लोगों के लिए हम डिफेंस अड्डा पे एक एन का पेड कोर्स भी लेके आए हैं आप चाहें तो इस पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये पेड कोर्स है आप के एनडीए का किस चीज का एनडीए का और इस एन N... एनडीए के इस पेड कोर्स का नाम जी हाँ एनडीए के इस पेड कोर्स का नाम है मेघ दूत बैच क्या नाम है मेरे बच्चा मेघ दूत बैच अब अगर आप इसका प्राइस देखें तो इसका प्राइस जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग दो हजार रुपए लेकिन टेंशन की कोई बात ही नहीं जैसे ही आप यहाँ पे कोड लगाओगे वाई फोर थ्री वन यह बैच जो दो हजार रुपए का था यह बैच सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा कितने में आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ अठारह सौ रुपये के अंदर ठीक है तो जो बच्चे पेड कोर्स पढ़ना चाहते हैं वो पेड कोर्स में आ जाओ और जो बच्चे फ्री पढ़ना चाहते जी, हाँ, कूपन तो वाले भी रहो पेड वाले जिसको जैसे पढ़ना पढ़ो लेकिन इस बार क्या करना है इस बार गर्दा कर देना है यानी कि इस बार एनडीए को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है भैंस की पूछ पकड़ के रखनी जब तक एनडीए का एस ना निकल जाए और आपको आपकी बेस यूनिट ना मिल जाए ठीक है तो बच्चा लोग इसी जोश के साथ अगर आपको कुछ कहना है तो बिल्कुल मुझे बताइए बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ओके okay, ओके okay, बच्चा संडे को मॉक टेस्ट कर देते हैं डन संडे को मॉक टेस्ट करते हैं पूरे हफ्ते पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा है ये आइडिया बहुत अच्छा है आई रियली लाइक इट तो बच्चा संडे का मॉक टेस्ट भी करवा दिया करेंगे और बोलिए अब डेली आपको जुड़ना है मेरे साथ कितने बजे डेली आपको जुड़ना है मेरे साथ शाम को पाँच से छः और छे बजे अब प्रिंस सर की क्लास होने आने वाली है तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है कैसे फिजिक्स के तीस पैंतीस क्वेश्चन कवर करने हैं उसके लिए छह बजे फिजिक्स की क्लास में ज्वाइन करना बिल्कुल ना बोले अभी के लिए लव यू टू ऑल कल से शुरुआत करते हैं और मैं कल केमिस्ट्री से चालू करने जा रही हूँ केमिस्ट्री का सबसे फेमिलियर चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का रेडियो एक्टिविटी तो कल की शुरुआत हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी के साथ तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह विद योर लवली मैम निहारिका राठौर राटा अंटिल जय हिंद love you guys, love you to all. Jai